वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और एग्ज़ाम्स में ये 2 से 3 मार्क्स के तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ज़रूर आएंगे पेपर में, अगर आ सकते हैं तो 2 से 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के आपके ये आपके हाफली या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में या फिर जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चंस हैं कुछ नहीं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना, इनको समझाना थोड़ा सा कठिन है। अब बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक बात बोली हुई थी, वो ये कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। रियल नंबर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर, दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जस्ट लाइक वो कहता है प्रूव √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब आपको ये बताना है कि √2 जो है वो इरेशनल है या नहीं, तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये इरेशनल है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब बच्चों, अगर ये इरेशनल नहीं है तो हो सकता है ये रेशनल हो, तो हम लोग इसको एज अ कंसिडर कर लेते हैं कि ये रेशनल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो कहानी सुनो। अब इन केस एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था तो बहुत सारे लोग एक बंदे को, एक पर्सन को बोल रहे थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। लेकिन मैं उस बंदे को जानता था, उस पर्सन को जानता था कि वो ईमानदार है, वो ऐसा नहीं है, होनेस्ट है अच्छे से। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर ये चोर है, अगर मान लो ये चोर है, मैंने उन लोगों को समझाया कि ये चोर नहीं है, तो वो लोग नहीं माने। तो मैंने कहा कि अगर मान लो ये चोर है, मान लो, अगर मान लिया कि ये चोर है, आप लोग कह रहे हो कि मान लिया ये चोर है, तो मुझे एक बात बताओ कि ना तो इसके घर पे जो चोरी का सामान जो इसने चोरी किया है वो नहीं है, दूसरी चीज़ कि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त ये घर पर नहीं था, ये शहर से बाहर था। ठीक है, तो वो अपना प्रूफ दिखाएगा कि देखो जी, मेरे पास रेलवे का टिकट है, मेरे पास आने जाने का टिकट है, मैं जहाँ गया था मैंने वहाँ पर बिल्स वगैरह दिए थे, मेरे पास उसका टिकट है, उसका सब बिल वगैरह सब कुछ है, तो मैं जब शहर में था ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं चोर हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा क्या था कि मान लीजिए अगर ये चोर है, अगर आपके बोल देने से मान भी लेते हैं कि ये चोर है, लेकिन इन सारी बातों से ये प्रूफ होता है कि ये चोर नहीं है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग अगर मान भी लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये किसी ना किसी रेशनल नंबर्स के इक्वल होगा, तो हम लोग कह देते हैं कि √2 a/b के इक्वल है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं कि a and b आर को प्राइम नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब को प्राइम नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं, अब ये भी आपके माइंड में आ रही होगी बात। देखो, मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ, जब भी हम लोग एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं, एक सही तरीके वाला, तो हम लोग कुछ इस तरीके के नंबर लिखते हैं जो आपस में कट ना हो सकते हैं, कटिंग नहीं हो सकते। जैसे मोस्टली हम लोग लिखते हैं 3/2, 4/3, 1/2, 2/5। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में कटिंग नहीं हो सकते। इन केस अगर मैं यहाँ पर 4/6 लिखता हूँ तो वो आपस में डिडक्ट हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, तो ये 4/6 जो है वो 2/3 बन सकता है। तो इस तरह के नंबर्स आपस में कट हो सकते हैं, तो 4 और 6 को हम को प्राइम नहीं मानेंगे, लेकिन 2 और 3 को हम को प्राइम मान सकते हैं। इसी तरह 1/5 अगर हमने लिखा है या 2/5 लिखा है, तो 2/5 का मतलब ये है
कि 2 और 5 को प्राइम नंबर हैं, ये आपस में डिडक्ट नहीं हो सकते और ये एक साथ किसी एक टेबल्स में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स को को प्राइम मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि रूट 2 को हम a अपॉन b के इक्वल मान लेते हैं, तो b अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा b रूट 2। अब बच्चों हम अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद एक तरफ मेरा आ चुका है 2b स्क्वायर और इधर आ चुका है मेरा इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब बच्चों अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो है थ्योरम 1.2। जिन बच्चों के पास 2023 से पहले की बुक्स हैं उनकी बुक्स में ये थ्योरम 1.3 लिखा हुआ है, बट जो नई बुक्स हैं, जो न्यू बुक्स हैं, उन बुक्स में ये थ्योरम 1.2 है। ठीक है, तो 1.2 थ्योरम हमें बोल क्या रही है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पी अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और कुछ जो प्राइम नंबर्स हैं वो जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 है ना, बहुत सारे हैं। और इस तरह के प्राइम नंबर्स जो हैं वो कैसे आप और अच्छे से देख सकते हो, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी आपको सीस ऑफ एरेथोसिस नाम से, जो कि आप कंप्यूटर, जो बच्चे कंप्यूटर या आईटी वगैरह लेते हैं उनको भी सीस ऑफ एरेथोसिस के बारे में जानने की ज़रूरत होती है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फ़िलहाल तो हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23 और फिर उसके बाद आता है 29, 31, 37, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी और टेबल में नहीं आते। तो इस तरह के नंबर्स अगर किसी एक ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं जो कि स्क्वायर हो, ठीक है, जो कि स्क्वायर हो, तो वो उस सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 36 को 2 डिवाइड कर सकता है, 2 एक प्राइम नंबर है और 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 36 को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो 6 को भी 2 डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से मैं और भी नंबर्स ले सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सर अगर 36 को 3 डिवाइड कर सकता है तो 6 को भी 3 डिवाइड कर सकता है। और भी प्राइम नंबर्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 81 लिख देता हूँ जो कि 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ जो कि 27 आ जाएगा, और 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये प्राइम नंबर्स एक दूसरे के स्क्वायर और उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो हम बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 वी कैन एज्यूम दैट 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 कैन ऑल्सो डिवाइड ए। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड कर सकता है ए को। अब बच्चों दोबारा से उसी एग्जांपल पे आ जाता हूँ मैं, कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पहले तो लिख दूँगा ए इक्वल्स टू 2c। अब आप सोच रहे होंगे ये c का क्या मतलब है, तो c मैं यहाँ पर ज़्यादा लिख सकता हूँ कि c एक यहाँ पर कोई इंटीजर नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने किस बेस पे लिख दिया 2c। देखो यहाँ पर मैंने क्या आपको शो किया था कि 36 को 2 डिवाइड कर सकता है। अब 36 जो है 2 के टेबल में 18 से आता है ना, और यहाँ पर जो 6 है उसको हमने डिवाइड किया था 2 से, तो वो 3 से आता है। तो दोनों में आप ज़रा फ़र्क देखो, दोनों में 2 आपको नज़र आ रहा है, करेक्ट है, 2 नज़र आ रहा है आपको, है ना। और यहाँ पर अगर हम 18 की प्लेस पे b स्क्वायर मान लें और यहाँ पर
जो 3 है उसकी प्लेस पे सी मान लें, मतलब अगर यहाँ पर हमने 18 जैसे बी स्क्वायर मान लिया, तो हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा नंबर तो रखना पड़ेगा ना, ये कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना जिसको हम, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो बी स्क्वायर अलग है, सी भी अलग है, तो हम लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर रखना पड़ेगा। और हम लोगों को देखो यहाँ पर अभी तक सही से एक ही वैल्यू भी नहीं पता, मैंने तो आपको 36 और 6 सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे ताकि आपको अच्छे से समझा दूँ इसलिए ये चीज़ बता दी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2c रख दिया हमने, तो हमें नहीं पता कि c की वैल्यू क्या है, ठीक है, c की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, जैसे यहाँ पर b की वैल्यू नहीं मालूम है ऐसी c की वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो हमने रख दिया बस अपनी साइड से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर 2 फैक्टर है एक a स्क्वायर का, तो 2 फैक्टर है a का भी, तो दोनों बातें आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग ये बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू हो सकता है 4c का स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, वो थी b स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब तो 2b स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर a की प्लेस पे रख देता हूँ तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो 2 को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिडक्ट कर दूं, ये डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ चुका है b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि b स्क्वायर के फैक्टर में अगर 5 डिवाइड कर सकता है b स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड कर सकता है b को भी, क्यों, वही है ना, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 टू डिवाइड b स्क्वायर एज वेल एज 2 डिवाइड्स b, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं a और b को डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा 2 आएगा, है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने a और b को हमने को प्राइम नंबर्स माना था। तो हम लोग ये कह सकते हैं which is not possible because we assume a and b are co-prime number। तो ये चीज़ कह देना कि root 2 हमारा rational number है, ये assumption हमारा wrong था, तो इसका मतलब ये है कि root 2 जो है वो एक irrational number है, और irrational number बोल देने का मतलब ये है कि हमारा जो, हमें जो proof करना था कि root 2 इरेशनल है या नहीं, तो हमने वो प्रूफ कर दिया कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने ए और बी को हमने इरेशनल माना था, बोला था कि ए और बी एक को प्राइम नंबर हैं जो आपस में कटिंग नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर कटिंग होने के बाद यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो हमने पहले एजप्शन लिया था वो यहाँ पर गलत निकल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो ये चोर है, लेकिन इसके पास जब चोरी हुई तो ये यहाँ इस शहर में नहीं था, दूसरे शहर में था, दूसरा सबूत ये था कि ये यहाँ पर, ये इसके पास जो है जहाँ पर ये गया था वहाँ के इसके पास बिल्स या फिर होटल्स के बिल्स या अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह के बिल्स वगैरह हैं जहाँ पर ये घूमने गया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि ये चोर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब प्रूफ करना है। आई होप सो आपको ये रूट टू इरेशनल नंबर है कि नहीं ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज 1.2 में यही सब कुछ है। मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा आपसे कि
कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे पास सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है बच्चों, बहुत ज़्यादा कमी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल्स के साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग अपनी वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आपके अगर फीडबैक्स हमें मिलेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियो अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, दैट्स ऑल।